एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। वीडियो का रिक्वेस्ट किया है शेख मंसूर जी ने। वो मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनका कहना था कि मैं अपनी वीडियो में उनका नाम लूँ और उनका एक रिक्वेस्टेड वीडियो है उस पर अपना मैं रिएक्शन दूँ। तो चलिए, आज फाइनली उनकी रिक्वेस्ट कंप्लीट कर रही हूँ मैं। आई होप कि उनको खुशी होगी। और वो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो और मेरा रिएक्शन। तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हो, जितने लोग भी हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर आप लोग नए आए हो मेरे चैनल पर तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत सारी आप रिएक्शन वीडियोज़ मिलती हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरी वीडियो की। वीडियो अगर पसंद आए लाइक करना ना भूले, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जहाँ पे भी आपका मन करे आप शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो वीडियो को। मंसूर जी ने मुझे हनी सिंह की वीडियो रिक्वेस्ट की थी जिसका नाम है गबरू। उनका कहना था कि मैं इस पर अपना रिएक्शन करूँ, तो आज फाइनली मैं उनकी रिक्वेस्ट कंप्लीट कर रही हूँ। आई होप कि वो ये वीडियो को मिस नहीं करें। चलिए तो फिर वीडियो को देखते हैं, उसके बाद मैं सारी बातें बताऊँगी, मुझे कैसा लगा गाना और कोई अगर अच्छी बात होगी, अच्छा मैसेज होगा तो वो भी मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, उसके बाद लास्ट में मैं मिलूंगी, फिर से बात करूंगी आपसे। तो चलिए लेट्स जंप इनटू द वीडियो।
सॉरी अंकल, मैं तो ट्यूशन वाले पूछने आया जी अंकल। अंकल ओके तो गाना खत्म हो गया है और मैं एक चीज मैंने नोटिस किया है, एक बार फिर से देखते हैं इसको। चुप रहे कुछ सकदा ना बोलनी, चला होया फिर दाए तिंदर दियोलनी, चला होया फिर दाए तिंदर दियोलनी, चला होया फिर दाए तिंदर दियोलनी। चुप चुप रहे कुछ सकदा ना बोलनी, चला होया फिर दाए तिंदर दियोलनी। सोचां विच हट दे गबरू, बब देना तर दे गबरू। सारे आखे आई थिंक इट इज बादशाह। ओ गॉड, ओ गॉड, कांट बिलीव माई सेल्फ कि ये बादशाह है। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएगा कि ये बादशाह है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल उनकी तरह दिख रहा है ये आदमी, आई डोंट नो कि बादशाह है या नहीं। लेकिन हनी सिंह का जब करियर स्टार्ट हुआ था ना, तो चारों तरफ सिर्फ हनी सिंह ही छाए हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई था नहीं जो मतलब ऐसे रैप वगैरह करे, या फिर बीच में जो ये करते हैं इसको रैप ही कहते हैं, तो इस तरह का कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये सिर्फ एक हनी सिंह ही थे जो कि ऐसा करते थे, ऐसे गाने बनाते थे, और म्यूजिक तो बहुत कमाल का देते थे। तो उस टाइम हर जगह हनी सिंह के गाने ही बजते रहते थे। देन सडनली पता नहीं क्या हुआ कि हनी सिंह का गाना आना बंद हो गया, एंड उन्होंने गाने बनाना बंद कर दिया, एंड देन अचानक से बादशाह आ गए, और बादशाह के गाने इतने हिट होने लगे, इतने ज्यादा चलने लगे, इतने ज्यादा छा गए थे। एंड देन सडनली इस गाने में मैंने देखा हनी सिंह के साथ बादशाह। यू नो, इसका मतलब यही है कि स्टार्टिंग से ही वो हनी सिंह के साथ रहना चाहते थे, बनाना चाहते थे गाने, बट हो सकता है उनको मौका ना मिला हो। आता है बादशाह के भी गाने बहुत अच्छे लगते हैं, बट हनी सिंह के गाने की बात कर लेते हैं। बहुत बहुत कमाल का लगा मुझे गाना, ये वाला गाना तो इसका रिमेक भी बन चुका है। रिमिक्स नहीं बोलूंगी, रीमेक बोलूंगी इसको। ये दोबारा से बनाया गया है एक मूवी के लिए, आई थिंक आयुष्मान खुराना की एक मूवी आई थी, उसमें मैंने ये गाना देखा था, और बहुत बहुत कमाल लगा था मुझे उस टाइम। और मुझे नहीं पता था ये गाना हनी सिंह का है, और ये गाना मैंने आज देखा मंसूर जी की वजह से। तो थैंक यू मंसूर जी, आपने ये गाना रिक्वेस्ट किया, बहुत कमाल का गाना है, मज़ा आता है ये गाना सुन के। और अभी तो हम सुनते ही हैं, और पहले का ये गाना है। आई नो दैट उस टाइम मैंने जब सुना था, तो मैंने सुना लगा था कि ये पहले भी मैंने सुना हुआ है गाना, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये हनी सिंह का गाना है। तो लिटरली मुझे बहुत बहुत खुशी हो रहा है कि फाइनली मैंने इस गाने पर रिएक्ट किया, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाना था, मज़ा आ रहा था, पार्टी सॉन्ग टाइप का था। और फाइनली मुझे पता चला मुंदरी अंगूठी को कहते हैं, मुझे नहीं पता था। तो ये भी पता चला, और साथ में हमने एक और चीज डिस्कवर कर ली कि बादशाह जो है वो काफी टाइम से हनी सिंह को फॉलो कर रहे थे। देन उन्होंने अपना स्टार्ट किया अपना ओन लाइन ऑफ सॉन्ग्स, और इसके बाद वो भी फेमस हो गए काफी, अभी भी फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं। तो अच्छा था, पार्टी सॉन्ग था, और वीडियो में तो खैर थोड़ी बहुत मस्ती वाली वीडियो बनाई हुई थी, जिसमें कि एक लड़की थी और इतने सारे उसके आशिक थे, और इतने सारे लोग उसको पसंद कर रहे थे। पता नहीं लड़की किसको पसंद करती थी ये तो पता नहीं चला, लेकिन जे स्टार अच्छे सिंगर है, अच्छा लगा मुझे उनका गाना, उनकी वॉइस, उनका स्टाइल। और इसमें ज़्यादा हनी सिंह का रैप तो नहीं था, आई थिंक म्यूजिक हनी सिंह ने दिया होगा। और द वीडियो, द होल पैकेज वॉज रियली रियली गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपने भी इंजॉय किया होगा मेरे साथ ये गाना। अगर इंजॉय किया होगा तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आपको क्या लगता है, बादशाह ये थे या नहीं, ये कोई और थे, ये भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएगा, मुझे जान के बहुत खुशी होगी। आई होप कि ये बादशाह ही हो। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये कौन थे लास्ट में जिनका पार्ट दिखाया लड़की के साथ, और लास्ट में ये डांस भी कर रहे हैं। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक, और चलिए तो फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ, मैं फिर से प्रेजेंट होंगी। तो चलिए तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बाय बाय। Audio Jungle.